डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 तीन प्रश्न, इस चैप्टर का 51 पेज तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम 52 पेज से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले एक बार रिवाइज कर लें कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि जो राजा जी थे उन्होंने क्या किए थे, वो धुन की पक्की थी और उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी थी और तीन प्रश्न पूछे थे प्रजा से, बोला जिसका जो इसका सही सही जवाब देगा उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। कई लोगों ने प्रश्न किए और राजा जी को किसी का भी उत्तर सही ना लगा। तो उन्होंने सुना था कि पास के जंगल में साधु रहते हैं और वो केवल साधारण जनता से ही मिलते हैं, राजा बाजा से नहीं मिलते, साधारण जनता से मिलते हैं और उनके ज्ञान की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। तो राजा ने सोचा इनसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और अपने कुछ अंगरक्षकों को साथ लिया और घोड़े पे सवार होकर चल दिए और काफ़ी देर बाद पेड़ों की झुरमुटों से साधु की क्या दिखाई दी, झोपड़ी। राजा घोड़े से उतर गया, उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास जा पहुँचा। ठीक है, उसने देखा साधु वहीं बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर कैसा था, दुबला पतला था और कुदाल से वे खोदते समय जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा जी को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और क्या किया, फिर अपने काम में लग गए। अब राजा बोला, मैं अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने की आशा में आपके पास आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि किसी काम को आरंभ करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा, मुझे किन लोगों का सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, किन लोगों को। तीसरा, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। ये तीन प्रश्न उन्होंने किए। ठीक है बच्चों, आज की अब आज तक हमने रिवाइज कर लिया। अब हम आगे 52 पेज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी पेजी रेडी हो जाइए और चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर 52 निकालिए। अब देखते हैं, राजा कुछ देर चुप, सॉरी, प्रश्न सुनकर भी साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पहले की तरह ही अपने काम में लगे रहे। वो प्रश्न पूछते रहे पर साधु ने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा, देखते रहे राजा कि कुछ जवाब देंगे, परंतु कोई भी जवाब साधु ने नहीं दिया। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफने लगते, है ना, कुदाल चलाते और मिट्टी को हटाते और क्या करते, हाँफने लगते। अब यह देखकर राजा का मन बोल उठा। वह बोला, आप मुझे कुदाल दीजिए, कुछ दिन मैं खोद दूँ। राजा जी ने क्या कहा, आप मुझको कुदाल दे दीजिए जिससे खोदते हैं, है ना बच्चों, आपने देखी होगी, वो कुदाल दे दीजिए, कुदाली, और उससे मैं खोदता हूँ अब। तो साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी और स्वयं एक तरफ बैठ गया।
उसने क्या की कि कुदाल किसको थमा दी, राजा को, खुद क्या हुआ साइन में बैठ गया किनारे एक तरफ। अब एक घंटा बीत गया, राजा खोदता रहा, एक घंटा बीत गया और राजा खोदता गया। अब जब सूरज यहाँ बादलों के पीछे छिपने लगा तो उसको दाल एक और रख कर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया। अब जब क्या हो गया, शाम होने लगी तो राजा ने साधु से क्या कहा, कुदाल एक तरफ रख दी और साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। बोले, मैं प्रश्न लेके आया था, आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं है तो बता दीजिए, मैं लौट जाऊँगा। बोले, यदि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम तो आप बता दीजिए, मैं क्या करूँगा, लौट जाऊँगा। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। और आप रीडिंग करिएगा।